राजधानी में आज से 12 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को कोरोना रोधी टीके लगेंगे। 12 अस्पताल, 26 डिस्पेंसरी समेत 140 केंद्रों पर बच्चों को टीका लगाया जाएगा। ऐसे में स्कूलों को भी टीकाकरण केंद्र बनाया गया है, जिसमें स्कूली बच्चे समेत आसपास के रहने वाले बच्चे भी टीका लगवा सकेंगे। दिल्ली में करीब 12 से 14 साल की उम्र के 6 लाख से ज्यादा बच्चों को टीका लगाया जाएगा। इन सभी बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। फिलहाल दिल्ली में 6,31,400 के करीब डोज है। 28 दिन के अंतराल में बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। टीकाकरण से जुड़े अधिकारियों का साफ निर्देश है कि 12 साल से कम उम्र के बच्चों को वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। ऐसे में जो भी बच्चे टीकाकरण केंद्र तक पहुंचे, वो सही प्रमाण पत्र के साथ जाए। पहले दिन 15 मार्च 2010 तक जन्म लेने वाले बच्चों को टीका लगाया जाएगा। इसके अगले दिन 16 मार्च 2010 तक जन्म लेने वाले बच्चे टीकाकरण के योग्य होंगे। इसके लिए टीकाकरण के दौरान बच्चों को सही जन्म तारीख बताना होगा। दिल्ली के इन अस्पतालों में बच्चों को कोब्रावैक्स वैक्सीन लगेगी, जिसमें लोकनायक अस्पताल, अरुणा आसफ अली अस्पताल, चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय, आरएमएल अस्पताल, चरक पालिका अस्पताल, दादा देव मातृ एवं शिशु अस्पताल, राव तुलाराम अस्पताल, द्वारका स्थित इंदिरा गांधी अस्पताल, डीडीयू अस्पताल, गुरु गोविंद सिंह अस्पताल, सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल और अंबेडकर नगर अस्पताल शामिल है। दिल्ली से टोटल न्यूज के लिए अजीत कुमार की रिपोर्ट।